शहर के साथ ही अब ग्रामीण क्षेत्र में भी कोरोना अपने पैर पसार रहा है। मंगलवार को वाड़ी में भी एक कोरोना पॉजिटिव मिला है। इस सिलसिले में हमारे वाड़ी के संवाददाता सुनील शेट्टी ने नगर परिषद के अध्यक्ष प्रेम झाड़े से फोन पर ली जानकारी। झाड़े साहब, आज का जो कल रात जो पता चला अपने को, जो कोरोना का वाड़ी का एक पेशेंट के बारे में, उसका आपके पास क्या उसका जानकारी है? इस विषय में ऐसा है कि कल करीब रात को 11 बजे मुझे जानकारी मिली। 11 बजे रात को जानकारी की मिलने के पश्चात मैंने तुरंत सीओ जुम्मा तारे वाले साहब को कॉल किया। तालुका हेल्थ ऑफिसर जो है डॉक्टर सचिन एमके, उनसे बात की और अपने व्याहार प्राथमिक आरोग्य केंद्र के जो डॉक्टर है वही देव, उनसे बात करने के बाद उन्होंने जानकारी दी कि अपना अम्बेडकर नगर निवासी एक पेशेंट जो है कोरोना से बाधित पाया गया। हम लोगों ने 11:30 बजे नगर परिषद में कॉल करके मीटिंग उनको बुलाया। पीआई पाठक साहब से रात को बात करके वाड़ी पुलिस स्टेशन के माध्यम के जो कर्मचारी है, पुलिस स्टाफ है, उनके माध्यम से और नगर परिषद के माध्यम से वाड़ी अम्बेडकर नगर परिसर को जाने वाले टोटल 16 रस्ते है, ये 16 रस्ते आज सुबह सील किए गए। आज अंबेडकर नगर के अंदर में जो स्वस्थ धान्य दुकान जो है, 4 दुकानें वहां पे जिसके माध्यम से गरीबों को रेशन के आउट के ऊपर में अनाज देने का काम होता है, तो वो 4 दुकानें बंद रखी गई। और अंबेडकर नगर में जाने वाले टोटल रास्ते पुलिस ने सील कर दिए हैं और करीब करीब 36 आशा वर्कर आज अंबेडकर नगर में हर घर में जाके सर्वे कर रही है कि घर पे कोई खांसी बुखार या सर्दी का पेशेंट है या कोरोना से रिलेटेड कुछ उस पेशेंट के अंदर में, लोगों के अंदर में अगर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत उस पर उपचार करेंगे। और दूसरा, नगर परिषद के माध्यम से हम लोगों ने टोटल अम्बेडकर नगर को सैनिटाइज स्प्रे करने के लिए व्यवस्था की गई है और अभी तक के हम लोग अम्बेडकर नगर के सभी एरिया में पूरी तरह से ध्यान रखे हुए है। और जाने साहब, दूसरी बात ये कह रहा हूँ मैं, अभी ऐसा हम एरिया में जब गए पूरा एरिया सील कर दिए, आप बोलते हैं मेरे हिसाब से 14 या 16 पॉइंट है, 16 रास्ते हैं अंबेडकर नगर को जाने वाले, टोटल 16 रास्ते हमने सील कर दिए। अगला मतलब हमारा जो कार्य है, मतलब नगर परिषद का आपका, इसमें से क्या कर रहे हैं आप? देखिए, अभी एक राशन की व्यवस्था एक जटिल समस्या है, तो सुबह एसडीओ चौधरी मैडम खुद वाड़ी में आए थे और सीओ साहब से भी मेरी बात हुई। अम्बेडकर नगर में जो 4 राशन दुकान है तो वहां से अम्बेडकर नगर के जो निवासी लोग हैं जिनको राशन की व्यवस्था हम लोग घर पहुंच करा देंगे ताकि किसी को राशन दुकान में आने की आवश्यकता ना पड़े। दूसरा, सब्जी की जो व्यवस्था है उस विषय में भी मेरी अपने नागपुर के जो एसीपी है पश्चिम जोन के विवेक मासाल सर और पीआई पाठक इनसे बात हुई कि अगर इसी तरह से सिचुएशन अगर बनी रही तो अंबेडकर नगर में सब्जी सप्लाई करने का काम भी हम पुलिस प्रशासन के माध्यम से नगर परिषद द्वारा करेंगे। अभी तक जो अपने गुरुद्वारा से जो लोग वहाँ का, एक 90% लोग अंबेडकर नगर के लोग वहाँ खाना खाने आते थे, आज खाना भी बंद रखा गया, उसके बारे में क्या आपका राय है? मुझे जो जानकारी दी है पाठक साहब ने, वाड़ी के जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है, उन्होंने जानकारी दी कि जो वहाँ पे खाना सप्लाई करने का काम हमारे समाज सेवी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनके माध्यम से होता था, किंतु खाना सप्लाई करने वाले जो समाज सेवक है वो अधिकतर अंबेडकर नगर से रिलेटेड थे, इसलिए उन्होंने वहाँ पे खाना सप्लाई करने में असमर्थता दर्शाई, इसलिए वो भोजन व्यवस्था बंद की गई है। और नागपुर का जो कलेक्टर से आपका कोई मुलाकात हुई इस बारे में? इस विषय में कलेक्टर ऑफिस से मेरी स्वयं मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हमारे जो मुख्य अधिकारी है जुम्मा तारे वाले, वो स्वयं एसडीओ मैडम के साथ मीटिंग के लिए गए थे और मैं स्वयं 12:30 बजे तक नगर परिषद में था, उसके पश्चात मैं घर आया। आगे आप वाड़ी के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं वाड़ी के समस्त रहवासी नागरिकों से नगर परिषद द्वारा, नगर परिषद के सभी नगर सेवक द्वारा, प्रशासन द्वारा विनती करता हूँ कि कोरोना इस रोग को अगर हमें रोकना है तो आपका सबसे बड़ा एक सहयोग होगा कि हर व्यक्ति ने अपने घर में रहना चाहिए
आवश्यकता होने पर अति आवश्यक काम से वो बाहर निकले, अन्यथा घर में रहकर ही प्रशासन को सहयोग करें। आज परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती है, आप अपने घर में रहकर ही परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को अभिवादन करें, उनसे प्रेरणा ले और जिस तरह से उन्होंने संविधान के माध्यम से देश को बचाने का कार्य किया है, देश को विकास की ओर जाने का कार्य किया है और संविधान के माध्यम से देश के हर नागरिक को न्याय देने का काम किया है, उसी संविधान को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब के आज के जयंती के उपलक्ष्य पे आप प्रण ले कि आज हम संविधान का पूरी तरह से पालन करेंगे। केंद्र शासन, राज्य शासन और नगर परिषद प्रशासन द्वारा दी गई सूचनाओं का पालन करेंगे और घर पे ही रहकर हम प्रशासन को सहयोग करेंगे। प्रेम जड़े साहब धन्यवाद, आप इनबीसीएन के लिए जो जानकारी दी इसके लिए आपका बिल्कुल स्वागत। दूसरा एक विषय मैं बताना चाहता हूँ आपको कि वाड़ी के उपाध्यक्ष राजेश थोरा ने, इनसे भी मेरी बात हुई इस विषय पे और सीओ मुख्याधिकारी से भी बात हुई। हम लोग इस संकट से बचने के लिए एक कोशिश कर रहे हैं कि वाड़ी की जो सब्जी मार्केट है और किराना मार्केट है इसको कल से सुबह 7 बजे से 2 बजे तक के परमिशन रहेगी। 2 बजे के बाद वाड़ी की टोटल किराना और सब्जी मार्केट बंद करने के विषय में एसडीओ जो है हमारी चौधरी मैडम, उनसे परमिशन लेने के लिए मैंने मुख्याधिकारी जुम्मे वाले कार्य वाले साहब से बातचीत किया हूँ कि आप चौधरी मैडम से परमिशन लेकर के कल से सुबह 7 से 2 बजे तक सब्जी मार्केट और किराना मार्केट चालू रहेगा ताकि हम कोरोना के इस प्रादुर्भाव को रोकने में कामयाब हो सके। धन्यवाद जड़े साहब, आपने जो इनविशन के लिए इतना जानकारी है आपका बहुत बहुत धन्यवाद।